नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के इस बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम में मैं सभी अपने लर्नर्स का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर संगमित्रा सूर्यपाणी, एकेडमिक डिपार्टमेंट NIOS से। आज हम चर्चा करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। मिनरल न्यूट्रिशन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स कभी बहुत अच्छी धूप और बहुत अच्छे माहौल में भी रहकर पनप नहीं पाते हैं। हम नहीं जानते ऐसा क्यों हो रहा है और क्या रीज़न है इसके पीछे, तो उसी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए, किस तरीके से हम उसमें अलग अलग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को उसमें डाल के हम उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, कैसे उसमें वो किस तरीके से बॉडी उसकी फंक्शन करती है, कैसे वो मेटाबॉलिक फंक्शन काम करते हैं। इन दिस लेसन वी विल गोइंग टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड हाउ प्लांट्स गेट द न्यूट्रिएंट्स। कभी कभार हम सभी जानते हैं कि जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हम ये तो महसूस कर रहे होते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम अच्छे तरीके से अपनी सारी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जो एक पर्टिकुलर मिनरल या एलिमेंट के लिए या एक किसी डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं बताते हैं। अब अगर ये देखा जाए कि वो डेफिशिएंसी क्या है, वो किस तरीके से, तो हम आज उन्हीं मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स को किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है एक अच्छी सेहतमंद ग्रोथ के लिए। हम कभी कभी देखते हैं कि किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक मेन्योर खेतों में डालते हैं। वो किस लिए डालते हैं? क्योंकि वो किसी भी तरीके की कमी उस प्लांट्स में या उस पैदावार में नहीं चाहते हैं। और किसी वजह से, क्योंकि अगर मान लीजिए हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम प्रॉपर खाना, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं और किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारे को कुछ थकान महसूस होती है या कोई एलर्जी होती है या किसी तरीके का सिम्टम, हम हमारा कोई मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत वीक काम करने लगता है, तो वो एक रीज़न होता है कि हमारे पास, हमें तब महसूस होता है कि हम कोई चीज़ ऐसी है जो उस बैलेंस डाइट में भी वो हमें मिल नहीं पा रही है। आज उन्हीं मिनरल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है, दैट इज अ सम टोटल ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनटेक ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन की बात करें कि हम खाते तो बहुत कुछ है और अगर उसको हम प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं और उसकी सिंथेसिस फूड की नहीं हो रही है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तब हमें लगता है कि ये न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स जो जनरली ये डिराइव करते हैं, दे ड्राइव दिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। सो द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस एलिमेंट्स बाय प्लांट्स इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। तो मेरे साथ हमारे लर्नर्स भी जुड़े हुए हैं। अगर मैं इस दौरान ये कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें किसी भी तरीके की क्वेरी है या अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं प्रोग्राम के दौरान, तो इस क्लास के दौरान, तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉर्ट कर सकते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, देर आर मैनी एसेंशियल एलिमेंट्स, बहुत सारे हैं, 112 के करीब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। बट उनमें जो महत्वपूर्ण हैं उसमें हम बात करें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, क्लोराइड है एंड कोबाल्ट है। तो ये जो एसेंशियलिटी है मिनरल्स की, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उन प्रोसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब अगर आप देखो तो थ्रू फोटोसिंथेसिस हम जो प्लांट्स होते हैं एक प्रॉपर, मतलब न्यूट्रिशन ले लेते हैं, वो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट्स, तो वो कैसे उसको
कहीं ना कहीं किसी रूप में वो एब्जॉर्ब होता है, उनके प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब वो छोटे मिनरल्स में ब्रेक होता है, तब वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उसमें होती है। वो तो एक बेसिक एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रोथ सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, बट उसके बावजूद भी हमें कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो एक प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रोथ में, मेटाबॉलिक फंक्शंस में। अगर आप देखें तो देर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। अब हाइड्रोपोनिक्स और वाटर कल्चर के बारे में भी हम आजकल सुन रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत ही मतलब एक अच्छी टेक्निक है जिससे काफी कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। सीडलेस हम क्यूकम्बर जो होते हैं, सीडलेस क्यूकम्बर को ग्रो कर रहे हैं, टोमेटोज हैं, लेटस है, ये हाइड्रोपोनिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में क्या है मैं उसको और आगे डिटेल में बताना चाहूंगी बाद में। अब अगर बात करें तो एरोपोनिक्स जो है वो लाइक हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक्स इज अनदर टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एन एयर मिस्ट एनवायरनमेंट विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। इसमें सॉइल यूज नहीं होती है। अब हाइड्रोपोनिक्स की, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स एक कमर्शियल प्रोडक्शन में बहुत मददगार साबित हो रही है, उसमें सीडलेस क्यूकम्बर, टोमेटो एंड लेटस की बात कर रही हूँ। ये एक काइंड ऑफ वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट को लेते हैं और फिर उससे उसकी नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट होते हैं। क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं विच इज नॉट एसेंशियल एंड नॉट एब्जॉर्ब बाय विद अदर न्यूट्रिएंट। और ये वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि कितनी क्वांटिटी चाहिए ये हमें पता होता है। इससे हम ये भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मतलब दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड विच एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल एंड इज अब्सॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द अदर न्यूट्रिएंट्स। सो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच मिनरल इज एसेंशियल। अब एरोपोनिक्स की बात करें, हाइड्रोपोनिक की तरह एरोपोनिक्स भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एक मिस्ट एनवायरनमेंट देते हैं, एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट देते हैं। और ये जो टेक्निक होती है इसमें हम ग्रोइंग प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको सप्लाई करते हैं मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। सो रूट्स जो होती हैं दे आर स्प्रेड एंड मिस्टेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विद हाइड्रो एटमाइज्ड प्योर वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड दिस मेथड हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली। अभी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिसेस में नहीं आया है। अगर हम बात करें तो ये जो रूट्स हैं ये उनका जो ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसमें हम प्योर वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से उसको स्प्रे करते हैं और उस पर्टिकुलर जो एसेंशियल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको प्लांट के लिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं। क्राइटेरिया क्या है इन क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट एक बहुत ही जरूरी, एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट के लिए, एंड शुड बी अ पार्ट ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट फॉर प्लांट ग्रोथ। अब जो रिक्वायरमेंट है वो काफी स्पेसिफिक होती है, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं की जा सकती। तो ये जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स में। एंड इन द डेफिशिएंसी ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट द प्लांट वुड एग्जिबिट स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी एंड द प्लांट वुड रिकवर फ्रॉम इट्स सिम्टम एंड इफ सप्लाइड विद द डेफिशिएंट एलिमेंट। तो क्या है कि एक एलिमेंट है, हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक एसेंशियल एलिमेंट है, उसको एक जरूरत है नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। अब क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक फंक्शन का हिस्सा है तो वो हमें जरूरत है, तो उसको हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये एलिमेंट हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, और इसकी अगर डिफिशियंसी होती है तो प्लांट में वो पर्टिकुलर सिम्टम्स नजर आते हैं।
अब मैं अपने लर्नर्स से भी जानना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक आप लोग सभी सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए। मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ मधु है। मधु, आप बताएंगे कि अभी तक हमने जो चर्चा की है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मधु, आप मधु, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हो और मुझे बताइए आप। चलिए, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे क्राइटेरिया की, और क्राइटेरिया में क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जो न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, एंड दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट और एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स में भी रिक्वायर्ड इन, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है उनकी, वो कम मात्रा में भी हमें हमारी जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे हमने जो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रोन्यूट्रेंट एंड मैक्रोन्यूट्रेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट दे रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। अब बात करें तो माइक्रो एलिमेंट की और मैक्रो एलिमेंट की। माइक्रो एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज, लाइक 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर और लेस देन दैट, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स। और जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी, लाइक 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो एलिमेंट की बात करें तो मैगनीज, बोरोन, कोबाल्ट, कॉपर, मॉलिब्डेनम, आयरन, जिंक, दीज आर एंड क्लोरीन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। और जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन सल्फर है, वो हमारे मैक्रो एलिमेंट्स हैं। सो एसेंशियल एलिमेंट्स दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, दे कैन कैरी आउट सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट सेल, लाइक द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी एंड एंजाइम एक्टिविटी। मतलब कि ये बहुत ही हमारे जो प्लांट्स के डिफरेंट मेटाबॉलिक वेरियस फंक्शंस हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? दे मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हेल्प इन द मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, एंड दे आर ए पार्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। सो प्लांट एब्सॉर्ब अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, एंड द अपटेक ऑफ मिनरल आयंस बाय द रूट्स मे बी पैसिव और एक्टिव। पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ये यूनिट 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे ये होता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन को हम कहाँ से मिल सकता है हमें कार्बन? कार्बन हमें मिल सकता है एटमॉस्फेयर से, एयर से। ऑक्सीजन की बात करें तो दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म फ्रॉम एयर और फ्रॉम वाटर। इट इज आल्सो जनरेटेड विद इन अ ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाइड्रोजन को अगर देखें तो दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, एंड नाइट्रोजन जो होता है एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एज नाइट्राइट आयन और एज एन अमोनियम आयन फ्रॉम द सॉइल, एंड सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डायरेक्टली। सो पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल एंड दे आर एब्जॉर्ब इन द आयनिक फॉर्म, लाइक पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड फेरिक आयन, फॉस्फेट। सो दे एब्जॉर्ब इन दिस आयनिक फॉर्म्स। अब अगर हम बात करते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी ऐसा क्या फंक्शंस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो टर्जिडिटी ऑफ सेल्स में काम करता है, वो परमेबिलिटी में काम करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो होता है
फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें वर्क करता है। अब अगर मैग्नीशियम अगर कम हो तो क्या होगा? क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा, क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा तो ईशा, ईशा हमसे कुछ बात करना चाहती है, बोलिए ईशा। आपकी आवाज में सुन क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। ये देखिए, अभी हमारी जो क्लास है वो बायोलॉजी क्लास है, और जो आप पूछ रहे हैं उसका प्रश्न वो हमारे स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड है। तो अभी फिलहाल हम अगर बायोलॉजी के ही इस क्लास के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ईशा आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी आप पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अभी आप मुझे ये बताएंगे कि माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स से आप क्या समझते हो? ईशा, और कोई स्टूडेंट बोलना चाहेगा तो बोल सकते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स में जो माइक्रो एलिमेंट्स में 0.1 मिलीग्राम उसका रिक्वायरमेंट रहता है, जिसका रिक्वायरमेंट लेस रहता है, और मैक्रो रिक्वायरमेंट रिलेटिवली उससे ज्यादा रहता है, जो 1 मिलीग्राम पर ड्राइग्राम ऑफ मैक्रो है। मैक्रो के वो मैग्नीशियम बोरॉन और कोबाल्ट है, और मैक्रो के स्टूडेंट वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, और हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, और इसी तरीके से मैं चाहूंगी हमारे सभी स्टूडेंट्स कोशिश करें कि अगर उनके कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं, और जो अगर मैं आपसे कोई प्रश्न कर रही हूं तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे उसका आंसर दें, जिससे कि मुझे थोड़ी क्लैरिटी होगी कि आप लोग आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, उस चैप्टर को समझ पा रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शंस। अगर नाइट्रोजन को देखें तो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। ये मैंने शॉर्ट में आपके वैसे आपकी बुक्स में ये चैप्टर जो टेबल है बहुत क्लियरली है, बट मैंने इसको बहुत कंसाइज्ड उसमें बनाया है, आप उसके और डिटेल्ड फंक्शंस जो हैं वो उसमें देख सकते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ट्रांसफर एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पोटेशियम हेल्प्स इन और एक्टिवेट्स एंजाइम ऑस्मोटिक एंड कैटायन बैलेंस। कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर सेल डिविजन, सेल एनलार्जमेंट। Magnesium forms part of the chlorophyll molecule and it activates enzymes of phosphate metabolism important for synthesis of DNA and RNA and essential for binding of ribosome subunits. Sulfur ki baat kare to that is present in coenzyme A, present in coenzyme A, vitamin, thiamine, biotin and fats of होता है। लोग क्यों कहते हैं कि डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि विटामिन डी का रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को? विटामिन डी कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। अगर विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में अच्छी है तब हम कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। इसी तरीके से जिंक अगर आपकी बॉडी में है तो, और जो जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के जो कैप वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, वो तभी एब्जॉर्ब होते हैं जब जिंक इज प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है उसकी, जिंक की मदद से। तो इसी तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं प्लांट्स में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों इन लोगों ये जब आपस में जुड़े हुए हैं दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर पोटेशियम कैल्शियम है और मैग्नीशियम की कमी है तो कहीं ना कहीं वो चीज एक डेफिशिएंसी के रूप में, एक सिम्टम के तौर पे हमारे को प्लांट्स में नजर आएगी। तो एसेंशियल एलिमेंट्स की जो एसेंशियल एलिमेंट्स, इसीलिए कहा गया है कि दे हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स।
अब अगर देखें आयरन क्यों हमें जरूरत है, आयरन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स, मैग्नीज जो है दैट हेल्प्स और एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मॉलिब्डेनम रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट एक्टिवेट्स एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, बोरोन इंक्रीज द अपटेक ऑफ वाटर एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर मेरिस्टेम एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, कॉपर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड जिंक एक्टिवेट डीहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोक्सिलेज, क्लोरीन हेल्प्स इन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स। तो अब मैं अपने स्टूडेंट से भी कहूंगी कि मुझे ये बताएं कि हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्टिविटी मैं आप लोगों को देती हूँ, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कि एक प्लांट को अगर आप पानी देते हैं, धूप में रखते हैं और उसको कुछ सप्लीमेंटेड जैसे खाद से अगर आप देखो तो वो कैसे फ्लरिश करता है उसके डिफरेंस, और एक प्लांट आप ऐसा रखिए जिसमें आप कुछ भी ना दें। मान लीजिए पानी दे रहे हैं और सिर्फ एक प्लांट को आप पूरा खाद दे रहे हैं, जो घर में ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं। तो जैसे छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, या कुछ जैसे हम कभी कुछ पालक काटते हैं या मटर के छिलके होते हैं, वो हम उसमें दे सकते हैं और आप देखिए डिफरेंस, आपको खुद ब खुद ये चीज नजर आएगी कि किस तरीके से एक प्लांट विदाउट एनी मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर के कैसे ग्रो करता है, तो वो कितना हेल्दी होता है, ये डिफरेंस आपको खुद ब खुद नजर आएगा। और फिर तब आप ये थ्योरी को समझ पाएंगे कि क्यों एक एसेंशियल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर किसी में भी, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो हम लोग हैं, अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए अगर हम ही अपनी बात करें कि अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है, तो उसको आप कैसे मतलब कैसे पता चलेगा कि वो चीज आपके अंदर कमी है और कैसे उसको सप्लीमेंट करेंगे। इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ अब धन्यवाद।